अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज मैं आया हूँ मरी। इस दफ़ा मैं सोच रहा था कि शायद इस समर टाइम पे मुझे मरी आने का इतफाक ना हो सके क्योंकि मरी को उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन एक काम की वजह से मुझे आना पड़ा। सो आई थॉट दिस इज़ अ गुड टाइम के साथ में एक व्लॉग भी बनाया जाए और आप लोगों को मरी के खूबसूरत नज़ारे कराए जाए। तो अभी हमने जाना है, एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, वहां पे आपको दिखाते हैं कि मरी के अंदर गांव की लाइफ कैसी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और एंजॉय करें आज का व्लॉग। जी दोस्तों, आज हमने इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ तकरीबन 12 बजे किया और 17 मील से एक्सप्रेस वे का रास्ता अख्तियार किया। आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मरी और गलियात में टूरिस्ट का दाखिला बंद है, इसलिए फुलग्रां टूल प्लाजा से पहले आपको पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। इस चेक पोस्ट से सिर्फ मरी और कश्मीर के शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद और इन इलाकों में जॉब्स करने वाले हजरात को ही जाने की इजाज़त है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से तफरी मकामात खोलने का नोटिफिकेशन मिल नहीं जाता, आप इस तरफ सफ़र से गुरेज करें। दोस्तों, मरी एक्सप्रेस वे का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शाहराओं में होता है। पहाड़ों के साथ बल खाती इस रोड के अतराफ चीड़ के बुलंद दरख्तों से घिरे सरसब्ज जंगलात हैं। हर गुजरते किलोमीटर के साथ बतदरीज कम होते टेम्परेचर के साथ ये रोड आपको मलका कोसार की तरफ वेलकम करती दिखाई देती है। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मरी में। ये वो जगह है जहाँ पे हमने आना था और ये पीछे आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, मज़ा आ गया। इस तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट में और ठंडी ठंडी हवा में जब नीचे 38 और 37 टेम्परेचर चल रहा हो तो इस जगह पे आके रहने का अलग ही बात है। जी ये है खोसा साहब, इधर इधर वो इस तरफ आ जाए, ये थोड़ा पीछे हो जाए। और ये बोदला साहब आए। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाता हूँ कि मुजफ्फराबाद मेन रोड से लिंक रोड जो नीचे आता है वो बहुत खूबसूरत लेकिन इंतहाई खतरनाक है। सब क्या आपका ख्याल है इस जगह के बारे में? जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर जो है वो आना चाहिए और रहना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि इधर जो है ना वो बंदा इधर आके 15 दिन के लिए करंटीना हो जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, आसमान क्लियर है, हवा साफ है और ये जो ठंडी ठंडी हवा है इसकी क्या ही बात है। हाँ, कौन याद आ रहा है। चलें जी, हाँ जी, हिला हिला ऊपर वो कसेरी, ये हिला। वैसे भी ये जगह बहुत प्यारी लगती है लेकिन जब हल्के हल्के बादल आते हैं तो उसके बाद तो इस जगह की बात ही कुछ और है। वाह, तो ख़ास बात यह है कि नॉर्मली जब बंदा मरी आता है तो बंदा विज़िट करता है उनकी जो कमर्शियल जगह है, वहाँ पे आपको वो खूबसूरती देखने को नहीं मिलती जो आपको
इस तरह की जो बिल्कुल साइडों पे एक रॉ लोकेशन है जहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे पीछे जो है वो हमारे दोस्त हैं, ये उनका घर नज़र आ रहा है, हम अभी उधर ही जा रहे हैं। तो आधे पौने घंटे का स्टे होगा, उसके बाद वापसी होगी। आई होप कि आपको रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो पसंद आए होंगे। ख़ास बात ये थी कि आज इतना रश नहीं था, इतना ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ नहीं थी। हालांकि अदरवाइज़ जब ये टाइम होता है साल का, यानी जून है और जुलाई, तो उस वक्त मरी जो है वो फुल ऑफ टूरिस्ट होता था। लेकिन इस दफ़ा मरी के लोगों को बहुत लॉस होगा या हो रहा है, क्योंकि उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। ताज़ा ताज़ा आलू बुखारे। मज़ा आ गया यार, ये देखें ताज़ा ताज़ा आलू बुखारे। और यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। ये सेब है या नाशपाती? सेब है। And I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the वो सामने आपको नीचे नजर आ रही है जो सुर्ख कलर का घर है, वहां पे अभी हम गए हुए थे और यहां से आपको अंदाजा होगा कि अभी हम कितना ऊपर आ चुके हैं। लेकिन बहुत प्यारा इलाका था, बहुत मज़ा आया। मेरे दोस्त हैं मुबशर, आपने आम तौर पे उनको मेरे साथ देखा होगा वीडियोस में। ये उनका एरिया था, वहाँ पे हम गए हुए थे। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। स्टे विद अस। जी कौन साहब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? How was the experience? Great. मज़ा आया यार। ये जो हवा आ रही थी ना शाम को, बस उससे मेरा दिल कर रहा था कि बंदा वापस ही ना जाए। आप इमरान का उनके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? एक ही दफा आया, काफी है हमारे लिए। आप तो पहली दफा भी नहीं लाना चाह रहे थे। आपके आपके पसंद ना पसंद पे होते तो अब कौन सा होता? अब्बा जी का कब तक इसको लिए फिर? हाँ तो अब्बा जी का अगर मन किया तो फिर अगली दफा भी हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे? अब्बा जी का जो है ना, वो कब तक उसके कांधे पे करता रहेगा। जी दोस्तों, अभी मरी से फिर हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया और हम आ गए खानसपुर की तरफ। तो ये मेरे पीछे आपको रोड नजर आ रही है जो क्या यूपिया जा रही है, और ये पीछे बहुत बड़ी खूबसूरत वैली थी। तो आई थॉट कि आपके साथ इसका व्यू शेयर किया जाए। बिल्कुल सामने एंड पे जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये कश्मीर के अंदर है।
कोरोना लॉकडाउन की वजह से सियाहों की आमदरफ्त मुकम्मल बंद है, इसलिए यहाँ के लोगों का चूँकि वाहिद दारोमदार सियाहत पर था, जिसकी वजह से वो सख्त माली मुश्किलात का शिकार हैं। और सुना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को खुलवाने के लिए कई दफ़ा मुजाहरे भी कर चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑर्डर्स हैं? अभी नहीं है, वो कह रहे हैं 20 तारीख तक हो जाएगा, जब तक होता नहीं है। बैठे आपको चाय पिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरे एरिया में वैसे कोई भी टूरिस्ट नहीं है? कोई नहीं जी। तो यहाँ पे कुछ हमें नजर तो आए लोग जो के इधर के आते हैं, बस दिन भी निकल जाते हैं। ये अपने इनकमी है, इनका अपना घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी होटल तो सारे ही बने। ये देखें कि ये तमाम एरिया जो है वो पहले इस महीने में टूरिस्ट से भरा होता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ये लोकल बच्चे नज़र आ रहे हैं और तमाम जो होटल्स हैं वो बंद हैं। ये नहीं, ये जो सामने पहाड़ी है ये किस में आती है? ये जो सबज वाली है, ये सबज है खैबर पख्तूनख्वा। और वो जो पीछे जिस पे बहुत बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पंजाब में आ रही है। ठीक है, खाकान का है, शाह खाकान का वो सामने वाला। अच्छा, और वो जो बड़ा पहाड़ है वो कश्मीर है? वो कश्मीर है। ये जो मस्जिद सामने मीनार वाली नजर आ रही है जी 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 जी, ये शाह खाकान का आबाई गाँव है। उसके गांव का क्या नाम है? देवल। देवल है, देवल है। बिजली का क्या शेड्यूल है? लोड शेड्यूल रात को 1 बजे जाती है। वो सामने जो है ना, ये जो यहाँ पे बहुत सारी व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये वो पीसी भोरवन का इलाका है। घर है और घर का जो छत है उसके ऊपर पार्किंग बनी हुई है। जी दोस्तों, अभी शाम हो गई है और अभी हम खानसपुर से वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, और ये आप बादल देख सकते हैं यहाँ पे। इस वक्त मुकम्मल बादल घेरे हैं और कुछ लोकेशंस पे तो इतनी थिक पॉकेट्स हैं कि आपको जो रोड है वो नज़र नहीं आती, और फिर दरमियान में थोड़ा साफ आ जाता है। तो मरी और बिलखसूस ये जो अयूबिया नथे गली का इलाका है, इसकी सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ पे पूरा दिन और शाम को बादलों की आँख में चोली जारी रहती है। ओह माय गॉड, थैंक यू जी। इसके साथ ही आपसे चाहते हैं इजाज़त। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।